चौथे चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें पार्टी ने एक प्रत्याशी की घोषणा की है जबकि एक सीट पर प्रत्याशी को बदल दिया है। लिस्ट के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज से छोटेलाल खरवार को टिकट दिया गया है, जबकि मिर्जापुर से प्रत्याशी बदलकर अब रमेश बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले सपा ने मिर्जापुर सीट से राजेंद्र बिंद को टिकट दिया था, लेकिन जब भदोही से बीजेपी सांसद रमेश बिंद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो अखिलेश ने उन पर भरोसा जताते हुए मिर्जापुर से उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। अब रमेश बिंद का मुकाबला एनडीए की सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल से होगा। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले रमेश चंद बिंद को बीजेपी ने भदोही से प्रत्याशी बनाया था, जहां से रमेश बसपा उम्मीदवार रंगनाथ मिश्रा को हराकर पहली बार संसद में पहुंचे थे। मिर्जापुर के रहने वाले रमेश 2002 से लेकर 2017 तक मिर्जापुर की ही मंझवा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भदोही से रमेश बिंद की जगह डॉक्टर विनोद बिंद को प्रत्याशी बनाया, जो वर्तमान में निषाद पार्टी से मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा से विधायक हैं। यूपी के पूर्वांचल में बिंद जाति का अच्छा प्रभाव माना जाता है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने बिंद समाज से आने वाली संगीता बलवंत को राज्यसभा सांसद बनाया है। इससे पहले वो गाजीपुर की सदर सीट से 2017-2022 में विधायक थी, जबकि भदोही सीट से रमेश बिंद की जगह पर विनोद बिंद को प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे में रमेश बिंद के बीजेपी छोड़ने से सपा को फायदा मिलने के आसार हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, उन पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल ही चुनाव लड़ रही है। अपना दल की ओर से दोनों सीटों पर महिला प्रत्याशियों को ही उतारा गया है। जहां मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल खुद चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं रॉबर्ट्सगंज सीट से वर्तमान सांसद पकौड़ी लाल की बहू रिंकी कौल को टिकट दिया गया है। रिंकी कौल फिलहाल मिर्जापुर की 96 सीट से विधायक हैं। उनके पति राहुल कौल इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनके निधन के बाद रिंकी राजनीति में आई। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को वोटिंग होगी। इसके अलावा महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजी, चंदौली, वाराणसी सीट पर भी आखिरी चरण में ही वोटिंग होगी।